हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कायरा अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है धनतेरस और धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब ढेर सारी शॉपिंग करें। तो कल जैसा कि मैंने ब्लॉग अपलोड किया उसमें दिखाया कि मैंने शॉपिंग की है, तो जितना भी 95% शॉपिंग मैं कल कर चुकी थी, बट कुछ शॉपिंग मेरी बची हुई है जो मैं आज जाके करूँगी। कल जो मैं सामान लेके आई थी ऐसे ही रख दी थी, कुछ भी मैंने ओपन नहीं किया है। और देखती हूँ क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या क्या चीज़ें लानी, क्योंकि अगर आप मार्केट जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। ऐसा एकदम है कि आप सारी चीज़ें 100% चीज़ें नहीं लेके आ सकते। तो जब मैं घर आ गई और मुझे ऐसा लग रहा था अरे मैं तो ये भूल गई, तो तीन चार चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ आज जो मैं जाके लेके आई हूँ, लेके आऊँगी। तो क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ, और कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली अपनी दिवाली अकेले मना रही हूँ, मतलब मैं और हस्बैंड, वरना पिछले साल तो मेरे ससुराल में दिवाली मनाई थी, इस बार हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो देखिए ये मैं लेके आई हूँ पाटा नहीं था मेरे पास यहाँ पे, इसको लोग पाट कहते हैं। मैंने दो तीन दुकान में जाके बोला मुझे पाटा चाहिए पाटा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाटा कहते हैं, बट बोले अच्छा पाट चाहिए आपको, तो फिर ये पाटा लेके आई हूँ मैं इसमें भगवान जी को रखने के लिए, ऐसा नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैं छोटा सा एक मूर्ति लेके आई हूँ, ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, मूर्ति ने ये फोटो जैसा है, क्योंकि मूर्ति लाने के लिए मुझे मना किया गया था मेरे ससुराल की तरफ से कि नहीं तुम फोटो पे पूजा करना, क्योंकि हर साल हो सकता है कि मैं कभी ससुराल में मनाऊँ कभी यहाँ मनाऊँ, तो कुछ फिक्स नहीं है, कहीं पे भी मना सकती हूँ। उसके बाद ये है पूजा की छोटी सी थाली, जिसमें आप अगरबत्ती जलाने का भी है, यहाँ पे आप दिया या कपूर जला सकते हो। और ये छोटी सी थाली है पूजा की, छोटे छोटे सामान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं छोटी छोटी सामान लेती हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये है बंदरवाल, मेरा तोरण जिसको कहते हैं, तो ये है तोरण, काफ़ी बड़ा आ गया है, और हमारा गेट का दरवाज़ा से छोटा सा है, तो इसको मैं लगाऊंगी, देखती हूँ इसको ठीक करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा मैं लेके आई हूँ डेकोर करने के लिए दिया, जो कि मैं टेबल पे अपने लगाने वाली हूँ। तो ये छोटा सा दिया है, दिए का सेट ऐसे डेकोर करने के लिए लेके आई हूँ, सब लोग जो लेके आते हैं। ये है शुभ लाभ, उसके बाद ये पाँव, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। शादी से पहले तो मुझे पहली बार मैं अकेले शॉपिंग कर रही हूँ, मैं पहली बार अकेले शॉपिंग की हूँ दिवाली के लिए। पहले तो सब तैयारी प्रिपरेशन वगैरह कराया मिल जाता था, घर में रहते थे तो मम्मी है, और मामी के घर रहती थी, मतलब नानी घर रहती थी तो मामी थी, पिछले साल ससुराल थी तो वहाँ पे भी मम्मी थी, सारी तैयारी कर रही थी। ये मैं भी एक माला लेके आई हूँ, तो बट पहली बार अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है तो कर रही हूँ, आना भी चाहिए। ये है पतासा, ये इसको लावा कहते हैं आई थिंक, तो इसके अलावा भगवान जी का मैं लेके आई हूँ माला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इतना सब कुछ लाने के बाद भी कुछ चीज़ें मेरी छूट गई है। ये दिया जलाने के लिए मैंने बत्ती लेके आई है, कपड़ा बिछाने के लिए लाल कपड़े फाटक के ऊपर बिछाने के लिए लेके आई हूँ मैं, इसके अलावा फिर मैं कपूर लेके आई हूँ, और हाँ एक लाइटिंग भी लेके आई हूँ लगाने के लिए। आप देखिए आप लोग, मैंने एक लाइटिंग लिया लगाने के लिए जो लगाऊंगी अपने विंडो पे, क्योंकि छत ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे कि छत में है बालकनी है, तो मैं ये विंडो पे लगाने का सोची, इसलिए मैं लाइटिंग लेके आई हूँ। बड़ा तार, बहुत सिंपल सी लाइटिंग, वैसे बहुत डिज़ाइनर और बहुत टाइप का लाइटिंग मिल रहा था, बट मैंने बहुत सिंपल सा लिया कलरफुल में ऐसा। और आपको मेन चीज़ मैं दिखाती हूँ जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दिवाली में, वो है दिया। तो ये देखिए आप दिया, यहाँ पे जो दिया है, हमारे यहाँ तो प्लेन दिया मिलता है, बट यहाँ पे इस टाइप का दिया हर जगह मिल रहा था, मतलब प्लेन दिया बहुत कम मिलता है। तो ये मैं दिया ली हूँ, एक टाइप का है और अलग अलग टाइप के मैं कुछ कुछ दिया ली हूँ, ये सेकंड टाइप का दिया है, तो अलग अलग डिज़ाइन के मैं दिया ली। और एक डिज़ाइन और है मेरे पास, बहुत छोटा सा दिया है ये, तो ये मैं दिया ली हूँ, एक टाइप का है और अलग अलग टाइप के मैं कुछ कुछ दिया ली हूँ, ये सेकंड टाइप का दिया है, तो अलग अलग डिज़ाइन के मैं दिया ली। और एक डिज़ाइन और है मेरे पास, बहुत छोटा सा दिया है ये, तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया है कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ, बट कुछ चीज़ें बच गई हैं। और क्या और चीज़ें होनी चाहिए पूजा के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं देखेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज़ें पूजा में यूज़ होती है तो ये लेके आई। बाकी फ्रूट्स और स्वीट्स तो दिवाली के दिन ही आएंगे, दो दिन पहले लाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें तो हम दिवाली के दिन लेके आऊँगी मैं। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।